कुशवाहा समाज के नेता है ना, उपेंद्र कुशवाहा का पक्ष रखेंगे या विरोध करेंगे, इसलिए कि उनको जानकारी है तो सुरक्षा मिल ही गया तो बातचीत भी हो गई होगी क्या सीट पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाजपा फंडिंग कर रही है आप लोगों को, फूल माला तो छोड़ दीजिए, रहने का, खाने का, भोजन का, ठहरने का इंतजाम होता है, उनको कौन पूछता है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग होने के बाद बिहार यात्रा पर थे, विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम था, पहला फेज समाप्त हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर दी। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले से सब कुछ डील करके आगे बढ़े और यही वजह है कि भाजपा लगातार अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सोच रही है, कभी सुरक्षा मिल रहा है, कभी प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। हमारे साथ सुभाष कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता हैं, पक्ष रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पहले से डील कर लिए थे जदयू के लोग कह रहे हैं। देखिए जदयू के लोग कौन बोल रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं जो जिनसे हम लोगों ने सवाल पूछा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब सवाल पूछा कि आप जनता दल यूनाइटेड के साथ, जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या डील कर लिए, और जिस बातों को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाना हुआ, तो ये अपनी बात को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। और हम लोगों की जो पार्टी बनी है, हम लोगों ने कहा था कि हिस्सा चाहिए, जननायक कर्पूरी जी, अमर शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को जो रोका जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए हम लोग पार्टी बनाए। और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के बड़े पैमाने पर हम लोगों के साथ लोग जुट रहा है, 5-7 हज़ार लोग जो विरासत बचाओ नमन यात्रा में लोग हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के लोग आए हैं। नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग हैं, भाजपा पैसा खर्चा कर रही है। वो क्या बोल रहे हैं ये पूरे बिहार देख रहे हैं, और जिस जिला में हम जा रहे हैं कौन लोग जुट रहे हैं, आपके लोकल मीडिया के लोग हैं, लोकल लोग देख रहे हैं ना कि कहाँ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं कि किसका लोग है। जिला में तो सब चिन्हित है, आगे भी जो लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे, और जो अंदर की बात है वो भी अभी बाद में आप समझिएगा, आज कितने बड़े पैमाने पर लोग टूट करके आने वाले हैं। लेकिन आपके यहाँ लोग आ करके कुछ लोग अपनी बात बोल रहे हैं, अब वहाँ से कुशवाहा समाज के कई नेता को छोड़ दिया गया है, या भूपेंद्र कुशवाहा पर अपनी बात को जाकर के बोलते रहिए। आपके यहाँ सिर्फ भगवान सिंह कुशवाहा जी का हम सुन रहे थे, कभी कोई कुशवाहा आकर के किसी चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, बाकी बोल कौन रहा। कुशवाहा समाज के नेता है ना, उपेंद्र कुशवाहा का पक्ष रखेंगे या विरोध करेंगे, इसलिए कि उनको जानकारी है। देखिए ये तो लोग बोल रहा है कि हम खूब बोलेंगे, खूब अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमको MLC बना दिया जाएगा, हमको कोई बढ़िया पद मिल जाएगा, इसके लिए बोल रहे हैं। अब श्री भगवान सिंह कुशवाहा बोल रहे थे, तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में बिहार जानती है, उनका जरा इतिहास समझ लिया जाए। बहुत गरज गरज के बोल रहे थे जो उपेंद्र कुशवाहा का कोई जनाधार नहीं है। भैया आप उपेंद्र कुशवाहा की जनाधार आप देखने वाले कौन है? आपको तो बोलना है कि हमको कहीं सेटिंग हो जाए। 2007 में बैद्यनाथ प्रसाद कुशवाहा जी को मंत्रिमंडल से हटा के इनको मंत्री बना दिया गया जी, और मात्र 2.5 साल में मंत्रिमंडल से हट गए, और 2010 में जदयू के चुनाव पर चुनाव हार गए टिकट पर। चुनाव जब ही हार गए अब तो खाली हो गए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई बड़ा चेहरा थे तो इनको फिर MLC बना के सदन में भेज देना चाहिए था ना। उपेंद्र कुशवाहा जी जब 2005 में चुनाव हार गए तो उनको सदन में भेज देना चाहिए था ना, फिर मंत्री बना देते। नागमणि जी को एक बार मंत्री बनाए, उनकी पत्नी को एक बार मंत्री बनाए, तो इन लोगों को भी भेज देना चाहिए था ना, तो सीखना चाहिए था इनको, तो नहीं भेजा गया। तो हम लोगों से जब बात हुई तो हम लोग बताए भाई जी घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तब तक जो है राज्यसभा के से माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी इस्तीफा दे दिए। अब इनको कुछ आया भगवान सिंह कुशवाहा को कि भाई अब तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए तो उसी जगह पर कहीं हमको भेज देंगे, तब टकटकी लगाए रहे जी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुशवाहा का सीट था, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी इस्तीफा दिए थे, तब भगवान सिंह कुशवाहा जी को नहीं भेज करके केसी त्यागी को भेज दिए। फिर लगे आए बाएं बोलने भगवान सिंह कुशवाहा के सीट पर भूमिहार किसे चल जाएगा,
तो उस दिन भगवान सिंह कुशवाहा नहीं समझे, तब तक जो है 12 की आ गई, MLC का चुनाव था, अभी नाराज थे, बहुत बोल रहे थे, तो मुख्यमंत्री बुलाए, कहे कि अच्छा रुकिए आपको करते हैं। तो MLC एकदम ही मने एकदम नया कपड़ा उपड़ा पहन के मोछ में घी लगा के गए कि MLC का टिकट हमको मिल जाएगा। तो सीतामढ़ी वाले राजकिशोर कुशवाहा को टिकट मिल गया, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाली उली देकर रिजाइन किए, आ जाके राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन थाम लिए। आज लालटेन थाम के 2014 में लोकसभा के चुनाव लड़ गए, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, और फिर बुरी तरह हार गए आरा में लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल में। फिर 15 में जब लालू प्रसाद जी टिकट नहीं दिए तो पप्पू यादव के साथ चले गए, पप्पू यादव के साथ जब गए वहां कुछ नहीं बैठाया, तो फिर नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के रालोसपा में आकर सदस्यता लिए 2017। यही लोग कुशवाहा का चेहरा, और 17 में गिराए, आज जब देखे यहां दाल नहीं गलने वाला है, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा ऑफर आ गया कि आइए ना MLC बना देंगे, तो फिर जाके जदयू में ज्वाइन कर लिया 18 में। अब देखिए इनका, तो 18 के MLC में फिर इनको नहीं भेज के रामेश्वर महतो को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भेज दिए, फिर गाली दे करके भागे वहां से। तब जाकर के जो है चिराग पासवान जी के यहाँ रुके, और चिराग पासवान जी के यहाँ चुनाव लड़के 2020 में बुरी तरह से हार गए। फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ दरबार करना शुरू किए, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके कि कुशवाहा समाज को बढ़ाना है तो इनको जदयू में ज्वाइन कराए उपेंद्र कुशवाहा जी। आज उपेंद्र कुशवाहा जी को बता रहे हैं कि बिहार के इनके सर्टिफिकेट से बिहार के नेता है कि नहीं है, आप अपना देखिए। नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाजपा फंडिंग कर रही है आप लोगों को, नीतीश कुमार को, ये जनता पार्टी फंडिंग क्यों करेगी किसी को, ये लोग देखा होगा ना रास्ता, कैसे पता है इनको, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात कर लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि 15-17 वर्ष तो आप भाजपा के साथ रहे ना, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग से नीतीश कुमार चला रहे थे क्या जनता दल यूनाइटेड को। हम लोग तो अभी अभी पार्टी बनाए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि जदयू को भाजपा फंडिंग कर रही है, माने ये हमको कह रहा है लो जदयू के लोग कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, यही ना कह रहा है लो, हम तो भाजपा में गए भी नहीं है। इन लोगों से तो आपकी हो गई है ना, आपको सुरक्षा मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है तो आप भविष्य तो नेता तय करेंगे ना कहां हम रहेंगे, लेकिन यदि इन लोगों को संदेह उत्पन्न हो रहा है तो संदेह उसी को होता है जो रास्ता देखा होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के रुपये से नीतीश कुमार इसका मतलब आज तक चला रहे थे, तो जदयू के लोग कह रहा है उनको रास्ता पता है, तो ये कुशवाहा समाज के लोग ठेकेदार नहीं बने, और पूरा बिहार देख रही है राष्ट्रीय लोक जनता दल का जो भ्रमण हो रहा है विरासत बचाओ नमन यात्रा, भगवान सिंह कुशवाहा को मैं कह रहा हूँ, सुभाष कुशवाहा बोल रहा है, होश में बोल रहे हैं, अगर भगवान सिंह कुशवाहा जी को लगता है कि अब कुशवाहा के नेता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों उसमें कुशवाहा के नेता है, वो कुशवाहा के नेता का फरियाना है तो जनसंख्या देखना है तो आरा में टाइम फिक्स करें, दूसरा जिला छोड़ दीजिए, एक मैदान में उनका मंच लगे, एक मैदान में सुभाष कुशवाहा का मंच लगेगा, पता लग जाएगा उनको कुशवाहा समाज, और सिर्फ कुशवाहा आएगा, उनको आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा कि सुभाष कुशवाहा के आप चैलेंज कर रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। अगर कुशवाहा समाज की ठेकेदारी देखना है उनको तो पहले सुभाष कुशवाहा आरा में, भोजपुर की बात कर रहे हैं, बाकी जिला में तो वो तो कहीं है ही नहीं, वो 5 लोग नहीं जानता, लेकिन सुभाष कुशवाहा सदन का मेंबर नहीं रहा है, हम सड़क के नेता है, बिहार के किसी जिला में जाइएगा तो सुभाष कुशवाहा के हजारों लोग फॉलोअर है, कहीं जाएंगे तो हमको जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो सुभाष कुशवाहा किसी जिला में चला जाए तो फूल माला तो छोड़ दीजिए, रहने का खाने का भोजन का ठहरने का इंतजाम होता है, उनको कौन पूछता है। हम तो भोजपुर में कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा को हमको बुला ले, एक मैदान में वो खड़ा हो जाए, एक मैदान में हम खड़ा हो जाते हैं, सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। एक सवाल और भी उठ रहा है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो आपकी पार्टी किसको समर्थन दे रही है, आपका इशारा है विधान परिषद का चुनाव है, हम लोग बैठेंगे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, बहुत जल्द हम लोग फैसला करेंगे, वो आएगा नेता बताएंगे।
जो करना है हम लोग, ये यात्रा पहला फेज का तो खत्म हो गया, आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए दूसरे चरण की यात्रा हम लोगों को 15 तारीख से शुरू होगी, नालंदा के धरती से हम लोग निकलेंगे, भागलपुर, तिलका मांझी, बांका, जमुई होते हुए हम लोग गया दशरथ मांझी जी के, मतलब नीतीश कुमार के गृह जिला से आपकी बार, हाँ वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, दशरथ मांझी जी के जाएंगे, हम लोग वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर जाएंगे, हम लोग वहाँ से अमर शहीद जगदेव बाबू की धरती कुर्था में हम लोग समाप्त करेंगे। इस यात्रा में कई कुल गुरु को, महापुरुष जो बिहार के हर समाज के लोग रहे हैं, सबको हम लोग नमन करेंगे, उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का संकल्प माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ले रहे हैं, उनके जन्म धरती पर उनके गाँव में उस मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग देखे होंगे, हम लोग विद्यारवा गांधी आश्रम से शुरू किए, हम लोग सहनी समाज के कुलगुरु जुब्बा सहनी जी को जाकर धरती को नमन किया गया, बीपी मंडल जी के धरती को नमन किया गया। तो इस तरह से जितने भी जाति और धर्म के कुलगुरु हैं उस सब के धरती को नमन करके और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का उपेंद्र कुशवाहा जी संकल्प ले रहे हैं। और 24-25 का चुनाव भी है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा लगातार जा रहे हैं, जब सुरक्षा मिल ही गया तो बातचीत भी हो गई होगी, क्या सीट पर चुनाव लड़ना है? देखिए सुरक्षा और पार्टी के साथ जाना दोनों दो मुद्दा है। ये तो सुरक्षा के लिए तो कई आईबी है, कई विजिलेंस है जिसकी रिपोर्ट गई होगी, गृह मंत्रालय उसको देखा होगा, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का तो यही काम है ना कि अजी लगता है कि किसी को कोई खतरा है, कोई ऐसी जरूरत है उसको, तो इस ख्याल से सुरक्षा दिया जाता है, इसको पार्टी से नहीं जोड़ा। तो अभी तो उपेंद्र कुशवाहा न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं, फिर सुरक्षा मिल रहा है। देखिए मंत्री और विधायक होना ही सुरक्षा मिलेगा, लीडर हैं और इनकी बहुत सी जवाबदेही रही है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, चारों सदन के मेंबर रहे हैं, ये जन नेता हैं, इसलिए गृह मंत्रालय को ये सूचना हुआ होगा ना, ऐसे थोड़े दे देता है। देखिए 24-25 चुनाव की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा लग चुके हैं और गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट भेजा उसके आधार पर सुरक्षा प्रदान की गई है, इसमें सीट बंटवारा और गठबंधन की कोई बात नहीं है, उसको लेकर मिल बैठ कर फैसला लिया जाएगा और बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं किसको समर्थन करना है उस पर भी फैसला उपेंद्र कुशवाहा बैठ कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।